हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू जगन्नाथ टेम्पल पुरी। सुबह सुबह मंदिर देखने आया, इसलिए थोड़ा भीड़ कम है अभी। ये देखो, सामने सिक्योरिटी चेक हो रहा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फिर अंदर जा सकते हैं। लगता है अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होगा। तो सिक्योरिटी चेक कम्प्लीट हो गया। ये डबल डोर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर कैमरा, मोबाइल, शू जमा करके रखना पड़ेगा, फिर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ये है पूरा जगन्नाथ टेम्पल। तो फिलहाल आप लोगों को मंदिर तो नहीं दिखा सकता, तो मैं ही मंदिर देख के आके आप लोगों को बताता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। जय जगन्नाथ। तो मंदिर देख के आया, बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसीलिए लोग शायद जगन्नाथ टेम्पल का इतना नाम करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल पर लोग इतना आते हैं। हम लोगों ने पूजा भी दिया, और ये रहा प्रसाद की टोकरी। जैसा कि बाकी मंदिर में होता है, वही पूजा के लिए लाइन, पंडा, फिर दक्षिणा। तो यहाँ पर भी सेम है, थोड़ा समझ बूझ के पैसे खर्च करना। अभी सुबह आए थे तो इतना भीड़ नहीं था, अभी देखो कितना भीड़ है। यहाँ पे इस तरफ से एंट्री है और हम लोग यहाँ से एग्जिट किए थे। तो यही था जगन्नाथ टेम्पल। तो अभी यहाँ से चले जाएंगे बीच पे। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा यहाँ का मार्केट घुमा देते हैं एक बार। ये देखो मार्केट यहाँ का। ये क्या है ये भाई, ये क्या है? प्रसाद है ये, अंदर के अंदर तो खाते हो ना। अच्छा अच्छा, वो प्रसाद वाला। उड़ीसा में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ वॉल पे जो पेंटिंग है, तो उड़ीसा में मुझे ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऑटो वाले भैया से मैंने पूछा कि यहाँ सबसे अच्छा बीच कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि गोल्डन बीच नाम का कोई बीच है। तो हम लोग सब अभी वहाँ पर जा रहे हैं गोल्डन बीच पर। तो आ चुके हैं गोल्डन बीच पर, और यहाँ इस छतरी के नीचे बैठे हैं। यहाँ बैठने के लिए आपको देना पड़ेगा पर आवर का 100 रुपये। हम लोग 4 घंटे के लिए बैठेंगे, लेकिन 300 रुपये देंगे ऐसा बोला है, तो मान गए हैं 4 घंटे के लिए 300 रुपये। तो आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो ऐसे बहुत सारे छतरी है, आप लोग कोई भी रेंट कर सकते हो और वहाँ पे रह सकते हो, मतलब बैठ सकते हो। एक एक छतरी में 3-3 सीट है। जगन्नाथ टेम्पल से घूम के आ गए, लेकिन अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। अभी तो कोई मछली या कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने पूछा एक भाई साहब से, उन्होंने बोला कि शाम को मिलेगा मछली वछली। तो देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए क्या मिलता है, बहुत भूख लग चुका है। ये क्या है? दही बड़ा। दही बड़ा, अच्छा। इसका नाम आलू चॉप। पूरी बड़ा बड़ा, ताड़िया। तो मैंने चाउमीन लिया है, ब्रेकफास्ट में चाउमीन खा लेते हैं। और भी बहुत सारा है, दही बड़ा और ये सब भी है, तो लेकिन वो सब खाने का मुझे मन नहीं है, तो इसलिए मैं चाउमीन खा रहा हूँ अभी सुबह सुबह चाउमीन। वैसे ये चाउमीन में खाता नहीं है सुबह सुबह, लेकिन क्या कर सकते है। अगर आप लोग पूरी आते हो तो यहाँ पे 2 जगह है देखने के लिए, एक है जगन्नाथ टेम्पल और एक पूरी बीच। पूरी में सबसे ज़्यादा भीड़ इस बीच में होता है, तो अगर आप लोग क्राउड ज़्यादा पसंद करते हो तो इस बीच में आओ। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी है, दुकान भी ज़्यादा है। हम लोग का जहाँ पे होटल है वहाँ पे एक बीच है, वो है फॉरेनर बीच। उसके बाद एक बीच है, उसका नाम है मॉडल बीच। फिर ये बीच है जिसका नाम है गोल्डन बीच। इसके बाद और दो भी बीच है, एक ब्लू और एक कौन सा नाम है मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस बीच है वो है गोल्डन बीच। क्या नाम है? हाँ, एक बलून लीजिए। कितना है इसका प्राइस? कितना दाम है? 30 रुपये। तुम्हें 20 रुपये ऐसे ही देते, ठीक है? बैलून रख दो, अंकल दिखा कैसी। इधर इधर करो, देखिए देखिए समुंदर, देखिए इधर दिखाओ, देखिए समुंदर, देखिए
इसका अच्छा है। और अपने आप को दिखाओ ऐसे। बेलून तुम दूसरे को भेज दो, ठीक है? बेलून नहीं। पानी में नहाते तो मौत होगी। स्विमिंग पूल में नहाते और नमकीन हो गई हो। तो इस ऊंट पे मैं चढ़ूंगा, इसमें लगेगा 100 रुपए। दो बैठ सकते, दो जन बस बैठ सकते क्या? दो चार जन बैठ सकते, 100 रुपए एक का, 100 रुपए। अच्छा अच्छा ये देखो, पूरी बीच का समुद्र का जो गहराई है वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा दूर आप लोग जाओगे तो कमर तक पानी आ जाता है। और यहाँ आप लोगों को बहुत सारे एक्टिविटीज भी मिलेगा, जैसे आप लोग ऊंट पे चढ़ सकते हो, हॉर्स राइड कर सकते हो और यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, खाना पीना, बैठने की जगह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और सिक्योरिटी भी यहाँ पे काफ़ी चौकन्ने है, तो अगर आप लोग नहाते नहाते दूर चले जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक लेगा, या फिर अगर इस जो ये जो एरिया है उसके बाहर अगर चले जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक लेगा। दोपहर से यहाँ पे खाने पीने का सब दुकान खुल जाता है, पॉन कैब मछली सब आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखो सब दुकान खुल गया है अभी। हाँ कितना है इसका? 80 रुपये पर पीस। इसका 100 रुपया है। कितना? 8 पीस का। 8 पीस का 100 रुपये। 10 पीस का 100 रुपये। ये 10 पीस का 100। 4 पीस का 100। 4 पीस का 100 रुपये। और ये क्रैब 60 रुपये पर पीस। तो ये रहा एक प्लेट प्रॉन 100 रुपये का, और ये रहा दो क्रैब 60 रुपीज पर। खा के देखते हैं कैसा है। अच्छा है, तीखा भी है। और ये रहा क्रैब, क्रैब खा के देखते हैं कैसा है। ये भी अच्छा है, ये पकौड़ा जैसा है एक्चुअली। ये दोनों जो मैंने खाया ये पकौड़ा जैसा है, मतलब ये ग्रेवी जैसा नहीं है, पकौड़ा जैसा है। अंकल वो थोड़ा कैमरा पकड़ेंगे, थोड़ा हम तीनों आ जाएंगे इसमें, थोड़ा ऐसे पकड़ना, इससे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। हाँ ऐसे पकड़ने से हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑन, बस ऐसे इधर इधर आ जाओ। Tell me what to do. Show me how to feel.
under your control. Everything is real. So hit me. So hit me. Man, bitch, that's your man. So hit me. Starts a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen, cause these are the directions. Let's make what I say, don't complain. I don't wanna hear questions. Follow my lead, don't default to your needs. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. अभी 4 बजने वाला है और क्राउड देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो ये रहा मेरा 3 दिन का उड़ीसा सफ़र। बहुत अच्छा लगा मुझे उड़ीसा घूम के। पहले दिन में भुवनेश्वर घूमा, उसके बाद में कोणार्क सन टेम्पल घूमा, उसके बाद पूरी घूमा। तो तीनों दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज रात को मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो अगर आप लोगों को मेरा पूरी का सफ़र अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलते और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए बाय।